हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों, ये नेक द्वारा ए प्लस ग्रेड प्राप्त है इसको। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, 100 ईयर से ऊपर की यूनिवर्सिटी है ये। तो काफ़ी टाइम हो गया है इस यूनिवर्सिटी को बने हुए। इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस की बात की है, 2500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और ये एप्लीकेशन फॉर्म 4 जुलाई से स्टार्ट हो गया था और 27 जुलाई तक ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो 27 जुलाई तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने समर्थ पोर्टल की लिंक दी हुई है जहाँ पर जाकर आप इसको आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट लिंक आपको नोटिफिकेशन की और अप्लाई करने की लिंक हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। यहाँ पर इन्होंने सेकंड पॉइंट के अंदर बताया कि कोई भी एज लिमिट नहीं है और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको ध्यान से रीड आउट कर लेना है पहले ही। और आगे इन्होंने बताया कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना होगा, और जब आपके वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास में लास्ट ईयर की मार्कशीट यदि नहीं होती है अवेलेबल, तो रिजल्ट नहीं आया हुआ होता है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी बताया हुआ है। अपीयरिंग स्टूडेंट्स के अंदर भर सकते हैं, बट जो रिजल्ट आपका अवेलेबल होना चाहिए 6 पॉइंट के अंदर बताया हुआ है साफ साफ। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं होना चाहिए आपका। और एडमिशन फ़ीस की बात की है इन्होंने, टोटल जो आपका एडमिशन जब होगा तो आपको एकेडमिक ईयर के लिए फ़ीस कितनी लगेगी, तो 65,000 रुपये फ़ीस लगने वाली है आपकी। और आपका ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। और डायरेक्ट एग्जम्प्टेड कैटेगरी के वालों के लिए बताया गया है। उससे पहले इन्होंने बताया कि पेपर वन के अंदर आपको ये जो प्रोफेसेंसी रीजनिंग लॉजिक एप्टीट्यूड से रिलेटेड टेस्ट आएगा, और जो पेपर सेकंड रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, और 50% मार्क्स आपको लाने होंगे आपको पास होने के लिए। और वेटेज जो 70% का बताया है इन्होंने इंट्रेंस एग्जाम का, और 30% का वेटेज इंटरव्यू का बताया है। और जिन्होंने UGC नेट क्लियर किया हुआ है कैटेगरी 1, 2, 3 किसी भी कैटेगरी, जो नई कैटेगरी अभी UGC ने डिक्लेयर की है उस कैटेगरी के अंदर, कोई भी कैटेगरी के अंदर यदि क्वालिफाई किया हुआ है तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। या CSR नेट हो, गेट हो, सीट हो, कोई भी नेशनल लेवल का आपका एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ है तो वो लोग एग्जेम्प्टेड रहेंगे इसके अंदर। बाकी सभी को एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही जाना होगा। और दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारी कैटेगरी के लिए आवेदन मांगे हैं, तो वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। आपको एग्जाम के वक्त आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होगा, ये भी यहाँ पर बताया हुआ है। और आपको वेबसाइट पर विजिट करते रहना है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा इसके जो भी है। आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, और नंबर ऑफ सीट भी साथ में बताई हुई है। तो डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने 5 सीट बताई है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 15 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 10 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 10 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 10 सीट। तो टोटल ये सीटें बताई गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इन्होंने बताया कि MTech या ME होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास में CGPA हो, या आपके पास में बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, और MC डिग्री है 55% के साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर बताया है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 10 सीट है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 5, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 5, लेदर टेक्नोलॉजी के अंदर 5, ऑयल टेक्नोलॉजी के अंदर 5, पेन टेक्नोलॉजी के अंदर 5, प्लास्टिक के अंदर भी 4 सीट बताई गई है। तो इनके अंदर भी एलिजिबिलिटी आपकी सेम रहने वाली है जो एलिजिबिलिटी बताई हुई है, 55% मिनिमम मार्क्स और बैचलर डिग्री के साथ में 75% मार्क्स चाहिए होंगे। और अप्लाइड साइंस के अंदर इन्होंने केमिस्ट्री के लिए 5 सीट बताई है, फिजिक्स के अंदर 5 सीट, मैथमेटिक्स के अंदर 5। इसके अंदर इन्होंने बताया कि MSc होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट बताए हैं इन्होंने, जिनमें कि मैनेजमेंट और इंग्लिश, जिनमें कि 2-2 सीट है, 55% मार्क्स मांगे गए हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर टोटल 10 सीट हैं, 55% के साथ में आपके पास में होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD कैटेगरी वालों के लिए। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर फेलोशिप दी जाएगी, तो 15,000 रुपये यहाँ पर फेलोशिप दी जाएगी आपको, मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए बताई गई है फेलोशिप, जो फुल टाइम वालों के लिए मिलेगी। और रिजर्वेशन पॉलिसी भी बताई गई है कि SC वालों को 21% का रिजर्वेशन रहेगा, और ST वालों को 2% का रिजर्वेशन रहेगा, और अदर बैकवर्ड क्लास को 27% का रिजर्वेशन रहेगा। तो इस प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। आगे इन्होंने कैटेगरी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी आप देख सकते हैं। और प्रोग्राम की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने फुल टाइम के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके अंदर ये 15,000 रुपये आपको फेलोशिप दी जाएगी। और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर यदि कोई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहीं से भी जो नेशनल लेवल के होते हैं, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और पार्ट टाइम के लिए भी इन्होंने बताया हुआ है कि यदि आप पार्ट टाइम के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, यदि आप कहीं पर एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। फीस स्ट्रक्चर भी इन्होंने आगे यहाँ पर दी हुई है कि ट्यूशन फीस 25,000 रुपये रहेगी, और अदर टोटल फीस मिला के 40,000 रहने वाली है, और ग्रैंड टोटल 65,000 इस प्रकार से फीस रहेगी। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है दोस्तों, ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आगे इन्होंने डेट की बात की गई है, तो डेट यहाँ पर लास्ट डेट 27 जुलाई रहने वाली है, और जो एग्जेम्प्टेड होंगे उनकी लिस्ट 29 जुलाई को आ जाएगी।
और एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट 30 जुलाई को आ जाएगी, और जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट 5 जुलाई को आ जाएगी। ये दो लिस्ट पता नहीं इन्होंने क्यों बताई हुई है। और फिर उसके बाद में सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट 5 अगस्त को आ जाएगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 6 अगस्त को होगा, और फाइनल रिजल्ट आपका 8 अगस्त को आ जाएगा। और एकेडमिक फ़ीस आप डिपॉजिट करवा सकते हैं 14 अगस्त को। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्लासेस आपकी 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। और नीचे फिर से बताया हुआ है कि ये लोग एग्जेम्प्टेड रहेंगे जो जिन्होंने UGC कैटेगरी 1, 2, 3 और CSR नेट गेट सीट पास आउट किए हुए हैं, तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे यहाँ पर। दोस्तों अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।